मैंने बकरी की गिनती की, मैंने भैंस की गिनती की, अब संजोग से लोकसभा में आया हूं तो वो आंकड़े की गिनती करनी पड़ती है, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट। अब मेरे जैसा आदमी उसमें उलझ जाता है कि बकरी गिनू कि भैंस गिनू कि डिफिसिट गिनू, यहाँ आके डिफिसिट गिनू वहां बाद में गिनू। इसमें मेरे गांव की जो गरीब औरतें हैं, जो खेत में काम करती हैं, पसीना बहाती हैं, मिट्टी पानी में सरती हैं, उनके शरीर से बदबू निकलता है, जीवन में कभी एक बार भी उनको लक्स और कौन रक्सोना साबुन, कौन ये लिपस्टिक पाउडर, ये छूने का देखने का अवसर नहीं मिलता है। क्या उसकी दुनिया को इन्होंने देखा था? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। अब तो बड़ी बड़ी बात करते हो, आगे दिन पीछे गए, गुरु से किया न हे तब पछतावा होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। मैं 1977 में एमएलए बन के आया, इंडिया गेट के किनारे पैदल टहल रहा था, एक बड़ी गाड़ी में एक बड़ा कुत्ता जा रहा था, वो अपने मुंह को निकाल के जी लपलपाते जा रहा था। मैं गांव का आदमी खड़ा होकर सोचने लगा, एक कुत्ता जरूर कुछ कह रहा है। मैं एमपी था, कभी दिल्ली देखा नहीं था, मेरे अंदर से आवाज आई कि कुत्ता कह रहा है क्या, तू गांव का किसान, गरीब मजदूर, पिछड़ा, दलित, तू क्या जन्म लेके करने आया है, तुझसे मैं सौभाग्यशाली हूं। देख, मैं ठंड गर्म गाड़ी में बैठा हूं, केक खाता हूं, ऑमलेट कटलेट खाता हूं, गद्दे पर सोता हूं, तुमने देखा हिंदुस्तान, तुमसे अच्छा मैं हूं। उस दिन मुझे लगा कि इस हिंदुस्तान के बड़े लोगों के कुत्ते भी मुझसे अच्छी जिंदगी जी के रहे हैं और मुझे उस जिंदगी से भी बदतर जिंदगी जिलाने वाले कोई नहीं है, आप हैं। क्या हिंदुस्तान के पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने अपराध किया था कि उसमें जन्म लिया? किसी ने भगवान के यहां दरखास्त दिया था कि मुझको तेली बना दो, मुझको लोहार बना दो, मुझको कुर्मी बना दो, मुझको कहार बना दो, मुझको अहिर बना दो, मुझको कलवार बना दो, कोई दरखास्त देके तो नहीं आया? आज वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दे दूंगा, प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने बजट में कुछ ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे हिंदुस्तान के जाति प्रथा के बंधन को ढीला करने का अवसर मिलेगा। हिंदुस्तान के गांव के गरीब पिछड़े दलितों ने मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से द्वारका धाम तक, इस आसान मान के साथ, आपके शब्दों में, जिनको आप अपने ऑफिस के आगे चाय की दुकान खुलवा रहे थे, वो चाय की बेचने वाला, रेल के फुटपाथ पर पानी पिलाने वाला गरीब निर्धन, जिनकी मां मजदूरनी का काम करती थी, ऐसे के बेटा को भारत का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया कि नरेंद्र मोदी आएगा, भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, गांव गरीब किसान मजदूर के भाग्य चमक जाएगा। उन्होंने इसलिए सपना को देखा है। प्लीज, हो जाएगा क्या? ये 9 महीना में हो जाएगा। आप नेता बोलते थे, मैं सुन रहा था, मुलायम सिंह आदरणीय बोल रहे थे, मेरे साथी हैं, बरसों तक समाजवादी आंदोलन में लड़े कि 9 महीना में तो बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने कहा कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये तो वैज्ञानिकता है, प्रकृति का नियम है, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? कितनी अवैज्ञानिक बात बोल रहे हो। इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, सरकार पैदा हुई, अब क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, ना कुछ मिले तो कुछ कहिए, ना कुछ मिले तो विरोधी में गए तो कुछ ना कुछ तो कहना है ना, नहीं तो दुनिया कैसे देखेगी कि विरोधी का काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर विरोधी का काम भी करना है तो आप अपने नेताओं को कहिए कि कुछ दिन हमारे पास आए, 6 महीना ट्रेनिंग दे देंगे कि हम विरोधी थे तो क्या करते थे। अरे नाटक भी करिए तो किसी डायरेक्टर से सीख तो लीजिए, जो गरीबी का डायरेक्टर है उससे सीखे नहीं, गरीबी का नाटक खेल रहे हैं।
ये गांव में नाटक